आज की वीडियो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एबीसी और एक्स वाई जेड का मसा होगा। इसमें आपसे ये पूछा गया, यहाँ से जो मसा लिखा है इसका मतलब क्या पूछा गया आपसे, एचसीएफ पूछा गया, मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो लिख दूं, ठीक है, दो लिख दिया और मैंने यहाँ पे चार लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, इनका क्या एचसीएफ आपसे पूछूं, तो आप क्या बताएंगे, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दो को भी काटेगी और चार को भी काटेगी, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, तेरह लिख दूं, ठीक है, तेरह और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, सत्रह लिख दिया, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, तेरह लिख दिया और सत्रह लिख दिया, और इनका पूछो कि आपसे एचसीएफ पूछू, ठीक है, इनका क्या पूछू मैं आपसे, एचसीएफ पूछू, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, यानी इसमें आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तेरह को काटेगी और सत्रह को काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ वो बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ एक है, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करें हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये चेक करना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इसको काटे और इसको काटे, मैं देख रहा हूँ एक है जो इसको भी काटेगी और एक भी इसको काटेगी, ठीक है, यानी एक के अलावा कोई भी बड़ी संख्या नहीं जो इन दोनों को काटेगी, तो इनके एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनके एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1935 तथा 59 को विभाजित करने पर समान शेषफल दे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन से यही चेक करना है कि किस ऑप्शन से इन तीनों में भाग दिया जाए, भाग देने पर क्या होना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए, तीनों में भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अगर मैं क्या करूं इसमें भाग दूं तो 9 दुना 18 कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, अगर इससे क्या कर दो, इसमें भाग दो तो 9 चौक 36 चार बार तो जाएगी नहीं, 9 त्रिका 27, तो यहाँ से आपको एक शेष नहीं बचेगा, शेष मुझे चाहिए क्या, समान चाहिए, तो यहाँ से जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो एक शेष नहीं बचेगा, तो पहला ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भी आपका समान शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तीनों तो भी आपका समान शेष नहीं बचेगा, अगर आप इससे इसमें भाग दें तो 8 × 16 और बचा कितना, 3 बच गया, कितना बचा, 3 आपका बचा। अगर आप इससे इसमें भाग दें, 8 × 4 = 32 हो गया, 8 × 4 = 32 तो कितना शेष बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा। अगर आप इससे इसमें भाग दें, 8 × 7 = 56 कितना शेष बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा। तो मैं देख रहा हूँ शेष क्या, हर बार क्या शेष समान है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को भाग दें तो शेष समान बचेगा, आप बता सकते 8। ठीक है, 8 है जो अगर इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो हर बार क्या होगा, समान शेष आपका बचेगा, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थित में शेषफल 2 रहता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया कि वह लघुत्तम संख्या यानी छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्या किया जाए, इन सभी से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, हमेशा 2 हमेशा शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीके की आप इसे क्या करिए, ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, करना क्या, आपको इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 2 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको दोनों तरीके से जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए, पहला तरीका ऑप्शन से और दूसरा तरीका ये कि इन सभी के एलसीएम निकाल करके इसमें 2 जोड़ लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर दे। तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप इससे क्या करिए, अगर आप इससे इसमें भाग दें, देखिए कितना शेष बचेगा, इससे इसमें भाग दें कितना हो जाए, 6 × 12 हो गया और 5 इधर गया, जब 5 इधर गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 58, तो 6 × 9 = 54 शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, और मुझे चाहिए कितना शेष, 2 शेष चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट। अगर आप इससे इसमें भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे शेष कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, अगर आप इससे इसमें भाग दें 36 = 18, ठीक है, इसमें कितना, 2 शेष बचेगा, 6 से भाग दें कितना शेष बचेगा,
दो आपका शेष बचेगा। 9 से भी भाग दे कितना शेष बचेगा, तो आपका शेष बचेगा। अगर आप इससे इसमें 12 कम 12 हो गया और 6 इधर के 12 पे 60 कितना शेष बचेगा, दो आपका शेष बचेगा। इससे भी चेक करते हैं, यहां से 15 कम 15 हो गया 3 इधर गया, 15 दुना 30 कितना, दो शेष आपका बचेगा। इससे भी चेक करते हैं, अगर आप इससे इसमें भाग दे 18 दाम 180 यानी कितना शेष बचेगा, दो आपका शेष बचेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या 182 में क्या किया जाए, अगर इन सभी से भाग दिया है तो हर बार कितना शेष बचेगा, दो शेष बचेगा। ठीक है, 182 में क्या किया जाए, अगर इन सभी से भाग दिया जाए तो हर बार कितना शेष बचेगा, तो आपका शेष बचेगा। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। दूसरा तरीका ये क्या करिए, आप इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें दो जोड़ लिया, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड तरीका देखते हैं। ठीक है, सेकंड तरीका यहां से 6, 9, 12, 15, 18 ठीक है, इन सभी का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। इन सभी का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, जो बहुत ही फास्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन जाकर आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये चेक करें, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए, ये 6 है, 18 को पूरा पूरा काट देगी और 12 को भी पूरा पूरा काट देगी, तो इसको क्या कर दिया, आप यहां से रिजेक्ट कर दिए। कहने का मतलब है कि जो 6 है 18 के अंदर, देखिए 9 भी इसको क्या पूरा पूरा डिवाइड कर दी, इसको भी आप क्या करिए, रिजेक्ट। अब आपके पास ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं है। करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करें, किसी दो का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, किसी दो को ले लीजिए, मैं इन दोनों को ले रहा हूं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 12 और 18 काटेगी, तो मैं देख रहा हूं 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो किसी को काट दीजिए 6 दुना 12। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया से 18 दुना कितना हो गया 6, यानी हमारा बचा क्या, इस पूरे कितना बच गया 15 बच गया और कितना यहाँ से 36, 15 है और यहाँ से 36। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों काटेगी, मैं देख रहा हूँ 3 है, तो 3 से किसी को काट दिए, 3 5 15 काटने के बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 5 6 30 हो गया और 5 3 15, 15 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें दो जोड़ लिए, इन सभी का एलसीएम आ गया, आपको करने की इसमें दो जोड़ लिया, अगर आप इसे दो जोड़ लें कितना मिल जाएगा, 182 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या गया आंसर है, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसे क्या करें, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या एलसीएम निकाल कर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष आता है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, और लघुत्तम का मतलब यहाँ से क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ से अंतर करें, अंतर करें कितने का अंतर मिलेगा, 3 का अंतर मिलेगा। यहाँ से अंतर करें तो भी अंतर कितने का मिलेगा, 3 का मिलेगा। यहाँ से अंतर करेंगे तो भी अंतर कितने का मिलेगा, 3 का मिलेगा। और यहाँ से अंतर करें तो भी अंतर कितने का मिलेगा, 3 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं कि अंतर समान है, अगर अंतर समान है आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वाले के एलसीएम निकाल करके, ठीक है, पहले वाले के एलसीएम निकाल करके उसमें से 3 घटा लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर है। तो पहले वाले का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते, 5, 7, 11 और यहां से 13, इनका क्या करना है, एलसीएम निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करें, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटे क्या, मैं देखो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काटे। ठीक है, और ना ही कोई दो संख्या किसी एक और ना ही दो किसी का आपस में कॉम्बिनेशन करने पर कोई संख्या इनको काटेगी। तो करना है कि इन सभी का डायरेक्ट आपस में गुणा कर लीजिए, इन सभी का क्या करना, आपको डायरेक्ट आपस में गुणा करना। अगर आप इन सभी का डायरेक्ट आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 5005 आपको मिलेगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना गया, इतना आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले का एलसीएम निकाल करके इसमें से 3 घटा लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहां से 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5002 आपको, ये इसका क्या गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 729 और 901 से भाग देने पर शेष पर क्रमशः 9 और 5 होंगे, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। करना क्या, आपको इसको यहां से घटा लीजिए, ठीक है, इसको यहां से घटा लीजिए और इसको यहां से घटा लीजिए,
अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 720 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 720 आपको। इसको यहां से घटा लीजिए कितना मिल जाएगा, 896 मिलेगा। कितना मिलेगा, 896। घटाने के बाद करना क्या, इसमें पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, यानी इसका क्या करना आपको, एस शेप निकालना है। इसका क्या करना आपको, एस शेप आपको निकालना है, ठीक है। अब इनका क्या करना आपको, एस शेप निकालना है। आप इनका क्या करिए, एस शेप आप निकालिए। इसमें आपको ये चेक करना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 720 को डिवाइड करे और 896 को डिवाइड करे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 16 से ये भी कटेगा और 16 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इनका एस शेप कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 से काट के चेक करिए, देखिए 16 से ये भी कट जाएगा और 16 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, जिसे अगर आप इसमें क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 9 आपका शेष बचेगा। अगर आप इसमें 16 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात कितना, 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, यानी इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया, आप यहां से देख रहे, आप करने क्या, और बड़ी संख्या हमसे पूछा ना, तो करना है कि आपको जो एस सी एफ दिया गया, मिस मसा पर दिया गया, इसको क्या करिए, अब जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर दिया, आपको क्या देगा, आंसर। मैंने आपको क्या बताया, एस सी एफ से क्या करना, आपको जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो इसका गुणा इसमें कर ले तो कितना मिल जाएगा, 4×4 हो गया और 4×2 8। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, 84। ये इसका क्या गया, आंसर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करें आप, इसका गुणा तब किसमें करेंगे, इसमें कर, तो कितना मिल जाएगा, 21 आपको मिल जाएगा। छोटी संख्या इतनी आ गई और बड़ी संख्या आपकी इतनी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मसा 96 तथा उनका लस 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट संख्या, यानी इससे क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या यानी दूसरी संख्या, और इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही तो फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इसमें देखिए आपको पहली संख्या पता है, यानी एक संख्या पता है, तो करना है कि आप यहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाइए, 864, और दूसरी संख्या लोग मान लें कितना है, एक्स। एलसीएम दिया गया कितना है दोनों संख्याओं का, 1296, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 96। देखिए 16 से ये भी डिवाइड होगा और 16 से ये भी डिवाइड, हम क्या करते हैं इसको 16 से डिवाइड कर दे, तो 16×5 80 हो गया, 16×5 कितना हो जाएगा, 80 हो गया, 16×5 80 और 6 इधर गया, 16×6 कितना हो गया, 64। इसको यहां से काट दो, 16×6 का कितना हो जाएगा, 96। 16×6 कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6×9 कितना हो जाएगा, 14। देखिए 9 से ये डिवाइड हुआ तो क्या करें आप, इसको यहाँ से 9 से डिवाइड करें, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करें कितना बार में भाग चली जाएगी, 144 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि दूसरी संख्या कितनी है, 144। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना, 44 होता है, तो दूसरी संख्या निम्न से क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, इन्हें हमसे ये पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी। कंडीशन ये कि अगर जब पहली संख्या क्या कहते हैं, 2 से भाग दिया जा रहा है तो भाग कितनी बार जाए, इतनी बार भाग जा रही है। अगर पहली संख्या पता करना, इसमें क्या करें आप, 2 से गुणा कर लीजिए, तो पहली संख्या हमको पता चले कितना, यहां से हो जाएगा 88। इतना क्लियर है। अब हमको फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। उस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या पता कर सकते हैं। तो आप यहां से लिख लीजिए, पहली संख्या कितनी होगी, 88 हो गई, पहली संख्या 88 और दूसरी संख्या हम लोग मान कितना है, एचसीएफ, एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, 264 हो गया और इंटू कितना हो जाएगा, 44। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 से क्या करना आपको, इसको डिवाइड कर दिया।
अगर आप दो से इसको डिवाइड करें, दो एकम दो हो गया, दो तीन छह हो गया और दो दूना चार, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, 132। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मसा यानी कितना 12 है, ऐसे संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ऐसे संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछे। युग्मों का मतलब ऐसे जैसे पेयर हमको बनाना हो, ठीक है। इस तरह से आपको बना, यहाँ पे मैंने कोई संख्या कर ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर ली, कोई संख्या लिख दी और यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिख दी, यानी पूछा कि ऐसे कितने पेयर मिलेंगे, ठीक है, आपको यही बताना है, यानी ऐसे कितने युग्म मिलेंगे, इसमें आपको यही। तो कैसे आप इसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर हम लोग मान ले पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या कितना वाई, तो यहां से क्या करें, एक्स लिख लीजिए और यहां से वाई, और इन दोनों के एससे कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अगर मैं क्या कर दू, 12 से इसमें गुणा कर दू और 12 से इसमें गुणा कर दू, ठीक है, तो मुझे संख्याएं पता चल जाएगी, ठीक है, संख्याएं कितना पता चलिए, 12x हो गया और ये कितना हो गया, 12y। अब संख्या हमको पता चले, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 84। अगर इन दोनों को जोड़ दू तो इनका योग कितना मिलेगा, 84 मिलेगा, इनका योग कितना मिल जाएगा, 84। अब कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 12 कॉमन दिख रहा है, 12 क्या करें आप कॉमन ले लें, तो एक्स प्लस वाई हो गया और इक्वल टू कितना हो गया, 84। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 7 बार में कट जाएगा, तो अगले इससे क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 बच गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। और हमसे पूछा क्या, संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या, युग्मों का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यानी हमको क्या करना है, दो संख्या ऐसे ऐसे फॉरवर्ड मुझे लेना है, दो संख्याएं ऐसे लेना है, ठीक है, जिनका योग कितना हो जाए, 7। ऐसे रूप में मुझे लेना है कि ऐसे रूप में मुझे लेना है कि जिनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, दो दो संख्या करके लेना। तो क्या ले सकते हैं लोग, पहली संख्या क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग 6 ले ले रहे हैं और 1 ले लें, यानी पहला युग्म हो गया, और दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, यानी इन दोनों का योग कितना चाहिए मुझे, 7 चाहिए। और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ले लिया जाए और कितना ले लिया जाए, 3 ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा पेयर, ठीक है, अर्थात आप बता सकते कितने युग्म बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे, 3 बनेंगे, ये इसका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। तो वो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मसह और लसह क्रमशः 3, 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, वो दोनों संख्याएं पता करें, यानी वो दोनों संख्याएं क्या है, तभी तो हम लोग क्या करें, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, संख्याएं पता करें। तो संख्याएं कैसे पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या दिया, एलसीएम दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया, 105 दिया गया, और दोनों संख्याओं का एससीएम कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक है, 3 दिया गया। तो आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, ठीक है, आपको करना है कि एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए, ठीक है। एलसीएम में एससीएफ से सदा भाग चली जाती है, ठीक है, एलसीएम में एससीएफ से सदा भाग चली जाती है। तो करना है कि एलसीएम में क्या करना, आपको एससीएफ से भाग, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बच जाएगी, 3 3 9 हो गया और एक इधर गया, 3 5 15। भाग देने के बाद इसका क्या करना, आपको इसका क्या करना, आपको सहभाज्य फैक्टर करना, इसका क्या करना, आपको सहभाज्य फैक्टर करना है। तो इसका क्या करें, फैक्टर कर ली, फैक्टर कितना मिल जाएगा, 5 और 7 मिलेगा, 5 7 35 होगी नहीं, इसका सहभाज्य फैक्टर कितना मिल जाएगा, 5 और 7 मिलेगा। फैक्टर करने के बाद करना क्या, आपको जो एससीएफ है इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, मुझे दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, तो इसमें करें कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, और इसमें गुणा कर 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया। यानी पहली संख्या हमको ये पता चले कितना, 15 है, और दूसरी संख्या कितना, 21 है। अगर संख्याएं पता चले तो पूछा क्या, व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए क्या करें, इसको पलट दीजिए, इसको क्या करना, आपको पलट देना। तो आप यहां से लिख लिए कि व्युत्क्रमों का, ठीक है, आप इसको पूरा लिखिए, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, इसको क्या करना, आपको पलट देना है, 1/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, इतना, इतना क्लियर है। अब इन दोनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 21, इसका गुणा इधर करना है और इसका गुणा इधर करना है, और दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन है, इसका गुणा इधर करना 21 मिल गया, और इसका गुणा इधर करना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों के क्या करना है, आपको एड करना है,
अगर आप दोनों को ऐड कर लें कितना मिल जाएगा, 36 आपको मिलेगा। ठीक है, अब कि 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, काट के नोक छोटा कर लें यहाँ से, 3 एकम 3 हो गया और 3 दुना 6 और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया। इतना क्लियर है? अब कि 3 से फिर कट रहा है, इसको काट दे, 3 चौक 12 हो गया और 3 7 21 हो गया। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर आपका 4 बच गया और नीचे कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 35। नीचे कितना हो गया 7 5 35। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 4/35। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे एक बार आपको फिर से बता दूं, आपको करना है कि एलसीएम या एसएफ से भाग देना, जितनी बार भाग जाएगी अब इसका क्या करना, आपको सब आज फैक्टर करना, कितना मिल जाए 5 और 7 मिल जाए। इतना क्लियर है? इसके बाद करना है कि इसमें क्या करिए, एसएफ से गुणा करें, संख्या आपको पता चले, पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या कितना पता चले, 21 पता चले। अगर संख्याएं पता चले, पूछा कि व्युत्क्रमों का योग पूछा, इसको क्या करिए पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए और इनको जोड़ लिया और इसको सॉल्व करिए, क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।